एवरीवन, दिस इज नुशरत एंड यू आर वाचिंग एनके एडुकेट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं। लेट्स कम विद मी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सेज हियर इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS एंड PQ इज पैरेलल टू AC एंड एंगल SQR 28 डिग्री है एंड एंगल QR 65 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम फिगर को ध्यान से देखेंगे, केयरफुली। फिगर मींस क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को हम समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि PQ PS पे परपेंडिकुलर है, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। जब PQ PS पे परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। नाउ बच्चों, ये 90 डिग्री है और यू नो व्हाट, हियर इज आल्सो सेइंग यहां पे कि PQ इज पैरेलल टू SR, PQ एंड SR आपस में पैरेलल है, ओके। यू SQR की वैल्यू गिवन है 28 डिग्री, QRT की वैल्यू गिवन है 65 डिग्री। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैसे करेंगे, तो यह बच्चों बहुत ही ध्यान से अगर हम देखें इसे, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल SQR को, SQR को अगर हम ध्यान से देखें, देन SQR से प्रोड्यूस एंगल है, दैट इज मींस लाइन है ST, और इस लाइन पे एक एंगल बनती है जिसे हम कहते हैं QRT, एंड QRT हमारी है एक्सटीरियर एंगल। क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और इस QRT की वैल्यू गिवन है 65 डिग्री। तो जस्ट लुक हियर, ट्रायंगल QSR की एक्सटीरियर एंगल है QRT। यू नो व्हाट बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है पता है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.8 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। बाहरी एंगल जो होती है अंदर की दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है। यू नो, बाहर की जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। सपोज ये हमारी बाहरी एंगल है 3 यानी अंदर की दो एंगल है 1 एंड 2, देन एंगल 3 की वैल्यू होगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाहरी के एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। So, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल QSR, इन ट्राइंगल QSR, इन ट्राइंगल QSR, ट्राइंगल QSR में एंगल RQS, एंगल SQR, एंगल SQR, यह दिस वन, एंगल SQR प्लस एंगल QSR, दिस एंगल QSR, एंगल QSR, और ये दोनों इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाते हैं, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर, देन दैट इज एंगल QRT, और ये है एंगल QRT। Means, अंदर के दो अपोजिट एंगल का सम बाहरी एंगल्स के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। रीजन भी रिटेन करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नो, एंगल SQR की वैल्यू कितनी है, 28 डिग्री। एंगल QSR की वैल्यू कितनी है, ये गिवन नहीं है, प्लस एंड दैट इज इक्वल टू QRT, QRT की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री। देयरफॉर एंगल QSR इज इक्वल टू 65 में से 28 माइनस करेंगे, 50 में से 8 माइनस करेंगे, देन व्हाट विल कम, 50 माइनस 8 7, दिस इज 5, 5 माइनस 2 3, 37 डिग्री। एंगल QSR की वैल्यू में जाती है 37 डिग्री, ये होगी 37 डिग्री। नाउ बच्चों, जस्ट लुक हियर, PQ पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है एंड QS इज अ ट्रांसवर्सल, QS क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। जब QS एक ट्रांसवर्सल है देन दिस एंगल, एंगल QSR एंड एंगल SQP इक्वल हो जाएंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, हाउ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो लाइन आपस में
टू लेंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हो, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ओके, जब टू लेंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट करती है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो वी विल राइट डाउन हियर, सिंस PQ पैरेलल टू SR, PQ SR के पैरेलल है एंड SQ इज अ ट्रांसवर्सल, SQ इज अ ट्रांसवर्सल, SQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है. Therefore, इसीलिए एंगल एंगल पी क्यू एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, एंगल वाई वाई नहीं एक्स है, एंगल एक्स इक्वल टू ये क्या है एक्स, सॉरी, सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर. और क्यू एस आर की वैल्यू कितनी है, क्यू एस आर की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री. सो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाती है 37 डिग्री. रीजन देंगे बच्चों, रीजन क्या है, रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन है. सो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 37 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, अब हम ट्राइंगल पी क्यू एस में देखेंगे. नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है, नो एनी प्रॉब्लम. अब हम ट्राइंगल पी क्यू एस में देखेंगे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों एंगल की मेजर कितनी आती है 180 डिग्री. रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस प्लस एंगल सिंपली लिख देते हैं वाई एक्स वाई, इतने कनेक्शन होती है पी क्यू एस ट्राइंगल में, पी क्यू एस ट्राइंगल में दिस एंगल पी प्लस क्यू की वैल्यू गिवन है एक्स, क्योंकि अंदर वाली ट्राइंगल हमें चाहिए, इसकी वैल्यू गिवन है एक्स प्लस एंगल वाई, एंड ये तीन वैल्यू की मेजर कितनी होती है 180 डिग्री. रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, थ्योरम 6.7. नाउ एंगल पी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स की वैल्यू क्या है 37 डिग्री, एक जस्ट लुक हियर, पी की वैल्यू गिवन है, वी नो दैट इट इज परपेंडिकुलर, पी क्यू क्यू एस पी क्यू पी एस में परपेंडिकुलर है, देन दिस इज व्हाट 90 डिग्री. सो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, और एक्स की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 70 7 9 3 12, 127 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री. Therefore, y इक्वल्स टू व्हाट, 180 में से 127 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री. y की वैल्यू आ जाती है 53 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर. अगेन हमारा आंसर है.